दिल्ली की जनता को अगले 5 साल में 10 गारंटी दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों 10 गारंटी योजना के तहत आम आदमी पार्टी ने खलबली मचा दी है यहां पर विपक्ष में, तो क्या कितना नुकसान यहां पर हो सकता है और केजरीवाल की जो 10 गारंटी योजना है वो कौन कौन सी योजना यहां पर जारी की है, और इसके बाद बीजेपी में यहाँ पर बड़ा हड़कंप सा है। क्या अब बीजेपी नया पैंतरा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी और क्या यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में होंगे तो प्रचार किस प्रकार से करेंगे, अब यहाँ पर सोचने लायक सवाल बन चुका है क्योंकि बीजेपी को लगातार नुकसान होता जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 10 गारंटी योजनाएं जारी की हैं और इन गारंटी योजना के तहत हर यहाँ पर वर्ग को फायदा देने का प्रयास किया जा रहा है। 26 जनवरी को यहाँ पर वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर 10 गारंटी योजना जारी की है, सरकार से जारी की है, उनकी जानकारी आपको देते हैं। जगमगाती दिल्ली और 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती रहेगी, विपक्ष इसे कंफ्यूज कर रहा है। उनका साफ तौर कहना है कि जिस प्रकार से विपक्ष यहां पर कह रहा है कि 31 मार्च तक ही इसका लाभ मिल पाएगा, लेकिन केजरीवाल का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 5 सालों तक इसका फायदा मिलता रहेगा। इसके अलावा खुले तार जो हाई टेंशन तार है और जो दिल्ली के कई गली मोहल्ले से गुजरे हैं उनको यहाँ पर अंडरग्राउंड किया जाएगा, तो ये पहला यहाँ पर जो योजना है 10 गारंटी योजना में शामिल किया गया है। दूसरी यहाँ पर अगर बात की तो योजना के तहत हर घर को यहाँ पर शुद्ध पानी देने का प्रयास किया जाएगा और 24 घंटे पानी मिले और ऑटोमेटिक के थ्रू ही वो पानी देने का प्रयास करेंगे और पानी बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध पानी देने का यहाँ पर वादा है और ये उनकी गारंटी बन गई है। 10 गारंटी उन्होंने जारी की है। और तीसरी बड़ी गारंटी, देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने कहा कि देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। 12वीं तक शिक्षा की गारंटी और 12वीं तक मुफ्त आने वाली पढ़ाई के लिए व्यवस्था यहां पर होगी। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी होगी, यानी सरकार की होगी और केजरीवाल की होगी। अगर वो आते हैं सरकार में तो 5 साल के लिए ये काफी कुछ अपनी योजनाओं में शामिल किया है। और चौथी यहाँ पर गारंटी है कि सस्ता, सुलभ और बेहतरीन इलाज, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है और मुफ्त इलाज मिलेगा, मोहल्ला क्लिनिक, नए अस्पताल, पानी क्लिनिक बनेगा और दिल्ली का कोई नागरिक बीमार होता है तो उसको यहाँ पर बेस्ट इलाज। इसके अलावा कई हॉस्पिटल में नए बेड और कई ऐसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी जो कि आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पांचवा यहाँ पर जो गारंटी है, सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था, इसके लिए जो महिलाओं के लिए फ्री बस की गई है और स्टूडेंट के लिए वो अब नई यहाँ पर योजना जारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर फ्री बस की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिवहन व्यवस्था होगी और लास्ट मील कनेक्टिविटी और महिलाओं को फ्री यात्रा मिलती रहेगी 5 साल तक के लिए, उन्होंने ये सुविधा दी है, स्टूडेंट को भी इसमें फायदा मिल जाएगा। और छठी जो यहाँ पर योजना है कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा सवाल होता है और लगातार कई यहाँ पर विपक्षी यहाँ पर इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि प्रदूषण से किस प्रकार से निपटा जाए, तो दिल्ली के लिए अब यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और वैक्यूम क्लीनर के द्वारा जो गली मोहल्ला है और जो सड़कें हैं उनको साफ किया जाएगा और दिल्ली में जो है चमकती सिटी और विश्व में इसका एक नया पहचान बने दिल्ली की यहाँ पर, तो दिल्ली को एक नया यहाँ पर मुकाम देने की कोशिश में है और अपने जो 10 गारंटी योजनाओं में शामिल किया गया है। स्वच्छ और चमकती दिल्ली, दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्त दिलाकर साफ और सुंदर बनाएंगे, ये यहाँ पर सवाल है कि जो दिल्ली में कई ऐसे कूड़ा घर होते हैं और कूड़े के जो ढेर लगे हैं पहाड़ों जैसे, उनको साफ किया जाएगा और दिल्ली को बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा, दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के लिए यहाँ पर काम कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जैसे बस मार्शल लगे हैं वैसे ही मोहल्ला मार्शल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, फक्त किया जाएगा, मतलब जो कॉलोनी कच्ची है उसको वहीं पर आसपास यहाँ पर पक्की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी और यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 सुविधाएं जिनमें नल, सड़क, पानी और सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा जैसे कई यहाँ पर मुद्दों को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा कच्ची कॉलोनी के लिए। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली के हर झुग्गी वासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए यहाँ पर पक्का मकान दिया जाएगा, तो दिल्ली सरकार के लिए बड़ा यहाँ पर ऐलान है और इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष में खलबली सी मची हुई है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 10 गारंटी योजना
की एक नई पहल यहाँ पर शुरू की है। इसका कैसे तोड़ निकाला जाए और इससे कैसे निजात पाया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जारी करेगी, जिसमें कई बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष में खलबली है। और आपको क्या लगता है, अब आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सोच रही है कि इस बार 70 पार, मतलब किसी को एक भी सीट नहीं, सारी सीट जो है आम आदमी पार्टी को जाए। इसलिए वो कई यहाँ पर योजनाओं को और कई ऐसी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जनता के लिए अच्छी खबर है, और जनता कहीं ना कहीं अब किसके पक्ष में जा सकती है, ये तो 8 फरवरी को तय होगा और इसके रिजल्ट जो है 11 फरवरी को आएंगे कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन फिलहाल जो जानकारी प्राप्त थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।